ठीक है। तो हमारा एलिफैटिक कंपाउंड का हिस्सा बेटा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर मूविंग टू एरोमेटिक कंपाउंड्स, मूव कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तो लास्ट हमने एलिफैटिक कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब मूव कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ बेटा हम मूव कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोस दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक की डेफिनेशन तो वही है। अब एरोमेटिक क्या है कि भाई देखो, बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग कुछ इस तरह की एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, एक इस तरह का रिंग होता है एलिमेंट्स का, एटम्स का, उसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। अब एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं बेटा जिसमें इस तरह का रिंग मौजूद होता है। अब इस तरह का रिंग मौजूद होगा तो वो एरोमेटिक है। अच्छा, ये रिंग बेसिकली है क्या चीज? असल में मैंने शायद पहले भी इस चीज को इंडिकेट किया है कि केमिस्ट्री में हम पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये बेसिकली एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करें तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो अभी मैंने बेंजीन का आपके सामने ड्रॉ किया है। अब हम ड्यूरिंग रिएक्शंस या ये कह लेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस, हम इस बेंजीन रिंग को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मतलब हम आमतौर पर जब रिएक्शंस करेंगे ना तो रिएक्शंस में ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये है बेंजीन रिंग। अब इस तरह का रिंग अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। इस तरह से मुराद जैसे ये तो ये क्या, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड का नाम तो बेंजीन है, सिंपल। ठीक है, अब इस तरह का रिंग जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद अभी तक अगर कॉलेज वगैरह में कहीं पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो आप लोगों ने इस तरह का कंपाउंड शायद देखा हो। आपने शायद इस तरह का एक कंपाउंड देखा हो बेटा, इसको कहते हैं हम, इस कंपाउंड का क्या नाम है? फिनोल। ठीक है, फिनोल है सर। इस कंपाउंड का नाम फिनोल है। सेम इसी तरीके से अगर एक और मैं ड्रॉ कर लूं स्ट्रक्चर, ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम है CH3 पे लगा दे अगर, तो इस कंपाउंड का नाम है टोलीन, TOULENE, टोलीन। तो अब ये दोनों भी कंपाउंड क्या है? ये दोनों भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही है। ठीक है, ये दोनों भी कंपाउंड्स क्या है? ये दोनों भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही है। बेंजीन इटसेल्फ एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही है। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है। अच्छा, लव्स ये जो एरोमेटिक है, ये जो लव्स एरोमेटिक है, ये लव्स निकला है बेटा एरोमा से। अब व्हाट डज एरोमा मींस? एरोमा मींस स्वीट स्मेल। ठीक है, एरोमा का मतलब क्या है?
एक ऐसी स्मेल जो हमारे लिए प्लेजेंट हो, स्वीट स्मेल को एरोमा कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं बेटा, उनकी स्मेल जो होती है वो अच्छी स्मेल होती है, ठीक है ना। हम उसे अच्छी स्मेल में काउंट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कोई सवाल इसमें अभी तक? कोई सवाल अभी तक? नो सर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो कंसिडरेशन में अभी टॉपिक है वो है बेंजीन। हम जिस कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है बेटा बेंजीन। ठीक है। अच्छा, बेंजीन के हवाले से कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, पहली बात तो चलो। और एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका वजूद इसी से आया है। बेंजीन को माइकल फैराडे ने, बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन द ईयर आई थिंक 1825 इट इज, ठीक है। माइकल फैराडे ने बेंजीन को आइसोलेट किया था कहाँ से? कोल तार से। बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन द ईयर 1825। कहाँ से इसने हासिल किया था? कोल तार की, कोल तार की फैराडे ने कराई थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को उसमें चैप्टर 6 में पढ़ाया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई थी किसने? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराई थी बेटा माइकल फैराडे ने इन द ईयर 1825। तो हमारे पास कोल तार वजूद में आया, बेंजीन वजूद में आया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। ये कंपाउंड है बेंजीन C6H6, जो कोल तार की वजह से वजूद, कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वजूद में आया था, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है C6H6, अगर इस फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला के लिहाज से मुझे तो ये कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड लगता है। जो फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है उस लिहाज से ये कंपाउंड तो मुझे हाईली अनसेचुरेटेड लगता है, हाईली अनसेचुरेटेड। क्यों भाई, क्यों सर? देखो बेटे, कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, 6 कार्बन को अगर सिंगल बॉन्ड्स बनाने, तो अगर मैं एक लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कार्बन है। अब इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे इसको अनसेचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कैसे इसको अनसेचुरेटेड बना सकते हैं? एनी आइडिया, एनी गेसेस? हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड्स बने, 4 सिंगल बॉन्ड्स हर कार्बन के लगाए, और हाइड्रोजन लगाकर हम तमाम कार्बन्स के सिंगल बॉन्ड बना लें, ठीक है, वेरी गुड। तो उस लिहाज से ये जो पहला वाला कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले कार्बन के साथ 2, तीसरे वाले के साथ 2, 2, 2, और इसके साथ 3। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 10, 3, नहीं ज्यादा ही होगा, 2, 4, 6, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। तो हमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए बेटा? 14 हाइड्रोजन चाहिए, 14 हाइड्रोजन चाहिए। अगर 14 हाइड्रोजन मुझे मिल जाते हैं, तो जरूरी नहीं है 14 हाइड्रोजन हो, मुझे 14 क्लोरीन मिल जाए चलेगा। मतलब बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल बनाना है, ठीक है, कोई भी बॉन्ड डबल नहीं होना चाहिए, सारे बॉन्ड सिंगल ही होने चाहिए। तो मैंने इसको सबको सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास सारे सिंगल बॉन्ड आ गए, मुझे कितने बॉन्ड चाहिए?
अच्छा मुझे इसको स्टेबल करने के लिए यानी अनसैचुरेट बना सैचुरेट बनाने के लिए मुझे आई नीड 14 हाइड्रोजन, आई नीड 14 हाइड्रोजन, मुझे 14 हाइड्रोजन की जरूरत है तब जाकर ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 6। इट इज इंडिकेटिंग कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अच्छा सर आपको फिर भी कैसे पता चल रहा है, लाइक हाइड्रोजन की तादाद से ही आपको कैसे पता चल गया कि ये हाईली अनसैचुरेटेड? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं एक और लीनियर स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने ड्रॉ करूं, अब मैं कहूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को टोटल आपने 6 हाइड्रोजन देनी है, तो 6 हाइड्रोजन देने के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक हाइड्रोजन इसको दी और सारे कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दी, एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक इस कार्बन को, एक इस कार्बन को, एक इस कार्बन को, सारे कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन आपने दे दी। अभी भी बॉन्ड स्टेबल नहीं है, मतलब इस कार्बन को दो बॉन्ड और मजीद बनाने हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बना ले और तो इसके बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये बॉन्ड बना ले तो भी इसके बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड बना ले तो भी बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। स्टेबिलिटी तो आ जाएगी सिवाय इस वाले कार्बन के, यानी कि जो दोनों कॉर्नर पे कार्बन है, इन दो कार्बन के बाकी तमाम के तमाम कार्बन यहाँ पर स्टेबल तो हो जाएंगे, ठीक है? इन दो कार्बन के अलावा यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे स्टेबल तो हो ही जाएंगे। एक मिनट, ठीक है भाई, तो हमारी बात हो रही थी बेंजीन की सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे। हम बात कर रहे थे कि भाई ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है H3, बल्कि H3 वाला तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि अनस्टेबल है। हम आ गए थे इस कंडीशन पर कि हमने तमाम के तमाम कार्बन्स को एक एक हाइड्रोजन प्रोवाइड किया था और इन सबको डबल बॉन्ड भी दे दिए थे। अब डबल बॉन्ड्स देने के बाद मेरे पास मुझे और कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही कि मैं किसी तरह से इनको अनस्टेबल, मतलब स्टेबल बना दूं। मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इनको किस तरीके से स्टेबल बनाऊं, ठीक है ना? मतलब मुझे, मेरे लिए मजबूरी यही बनी हुई है कि मैं यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड्स लगाऊं, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन में 6 से ज्यादा नहीं दे सकता। कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन आपको 6 से ज्यादा नहीं देनी, ठीक है ना? हाइड्रोजन 6 से ज्यादा नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो जो आपके सामने जो अभी एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है अगर मैं हाइड्रोजन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना। अब डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो आप खुद भी इस चीज को गैस कर सकते हो, इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि सर अगर डबल बॉन्ड्स नहीं है यहाँ पर, डबल बॉन्ड्स है सॉरी मौजूद, तो इसका मतलब सर ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि अगर ये सैचुरेटेड होता तो इसके अंदर डबल बॉन्ड का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है तभी इसमें सर कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई है बेटा? जी सर। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड है, हमें फॉर्मूला की मदद से जो बेंजीन का फॉर्मूला उससे हमें ये लग रहा है। लेकिन अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि हाँ भाई ये बात सही भी है कि नहीं है। मतलब हमें तो लग रहा है कि भाई बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, इसकी हम केमिकल इन्वेस्टिगेशन अगर करें, केमिकल इन्वेस्टिगेशन, अच्छा केमिकल इन्वेस्टिगेशन किस लिए कर रहे हैं? ये हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है ना? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए हम इसे केमिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, जो अभी ये लीनियर स्ट्रक्चर तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है, जरा इसमें देखो जो दोनों कॉर्नर वाले कार्बन है ना ये स्टेबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस कार्बन के तीन बॉन्ड बने हुए, दो बॉन्ड बने हुए, वेरी गुड, और एक हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ भी बेटा ऐसे ही है दोनों के साथ। तो मुझे कंडीशन ये नजर आ रही है कि मैं इन दोनों कार्बन का आपस में बॉन्ड करूं किसी तरीके से। अगर मैं दोनों कार्बन को बॉन्ड कर देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर फिर भी किसी हद तक समझ में आने वाला बन जाएगा। अब इन दोनों को बॉन्ड करने का मसला ये है कि अगर इन दोनों को बॉन्ड किया तो क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोज स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक शेप आ जाएगा, चलो मान लो ये शेप आ गया, लेकिन वी आर नॉट कंफर्म कि यही शेप है या वी आर नॉट कंफर्म कि ऐसा ही हो रहा है। अब आते हैं कुछ केमिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। जिस केमिकल एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि भैया बात कहां तक सच है और कहां तक झूठ है। हम अभी करने क्या जा रहे हैं, हम C6 और H6 को वो इज आइदर सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हम इस बारे में बहस करने जा रहे हैं बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हम अभी करेंगे यहां पर, उससे हम पता करेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। तो पहला आपके सामने मैं काम करने जा रहा हूं, पहला रिएक्शन C6H6 का रिएक्शन हमने करवाया 3Cl2 के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैलोजनेशन वो है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है पर C6H6Cl6। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ आपकी नजर में, कौन सी टाइप है ये रिएक्शन की? हैलोजनेशन एडिशन रिएक्शन, हैलोजनेशन, वेरी गुड, एडिशन। यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हुआ, एडिशन हुआ। तुम लोग लग रहा है आंखें बंद करके बैठे हो, इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी है लेकिन तुम लोगों ने मेरे से किसी ने पकड़ा नहीं हुआ गलती को यार। सैचुरेटेड नहीं लिखा सर आपने? हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सैचुरेटेड लिखा नहीं हो तुम लोग भी कबूल करके बैठे हो। चलो इस मसले पर बात का हल करेंगे, ये बड़ा हैंग कर रहा है आज, जितना हो रहा है अभी उतना ही बर्दाश्त कर लो भाई, ठीक है भाई। तो ये एक रिएक्शन आ गया आपके पास जिसने एडिशन शो किया। अच्छा, एडिशन रिएक्शन हमारे पास किस चीज को इंडिकेट करता है, सैचुरेटेड बिहेवियर को या अनसैचुरेटेड बिहेवियर को? अनसैचुरेटेड बिहेवियर को इंडिकेट करता है हमारे पास कौन, एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड, तुम लोगों को याद है पुरानी बातें, ठीक है। अब एक और रिएक्शन करते हैं, C6H6 इसका रिएक्शन हमने करवाया हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में 300-250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये हमारे पास बन गया C6H12, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा रिएक्शन है भाई? हाइड्रोजनेशन एडिशन है। वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन व्हिच मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगेन एडिशन रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, अनसैचुरेटेड बिहेवियर इंडिकेट करता है, ठीक है। अब मैंने एक और कंडीशन में सर, लेकिन ये कंपाउंड तो अभी भी अनसैचुरेटेड है, 12 आया हमारे पास हाइड्रोजन्स। हाँ, ये अल्कीन का स्ट्रक्चर बन गया ना। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उसको वो करें पूरा वो तो बैलेंस रखने के लिए। अगर तुम इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3H2 की जगह मैं 4H2 लेता तो ये C6H14 बन जाता। बेसिकली मुझे यहाँ पर इंडिकेट करना है कि भाई एडिशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड बिहेवियर, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब यही बेंजीन का रिएक्शन देखो, पिछली बार मैंने क्लोरीन से करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सनलाइट वाला फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहा, बल्कि मैं अब की बार एक प्रॉपर रिएक्शन करवा रहा हूँ जिसमें कैटलिस्ट मेरे पास AlCl3 है, एंड आई एम नॉट यूजिंग सनलाइट फॉर दिस। तो मेरे पास कंपाउंड बना C6H5Cl नाम का,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस रिमूव हुई। अब ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने आया है, ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, ये सब्स्टिट्यूशन है। कैसे सर? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ 5 रह गए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ। अच्छा, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो सर इधर क्लोरीन नहीं था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड पे मुझे क्लोरीन नजर आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह क्लोरीन लगा। इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है सर? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आ रहा है तो वो हमारे पास कैसा बिहेवियर शो कर रहा है बेटा? सैचुरेटेड। वो हमारे पास बिहेवियर शो कर रहा है सैचुरेटेड। वेरी गुड। अब C6H6, इसका रिएक्शन हमने कराया HNO3 के साथ। HNO3 के साथ जो ये रिएक्शन कराया, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या हुआ, एक कंपाउंड बना C6H5NO2 और साथ में हमारे पास वाटर के वेपर्स आए। अच्छा, ये जो कंपाउंड है आपके सामने, अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, इधर सर 6 हाइड्रोजन थे, इधर 5 रह गए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ। और जहां पर हाइड्रोजन कम हुआ उधर ही क्या आकर लगा, NO2। तो अगेन ये रिएक्शन कौन सा है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। ये अगेन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? सैचुरेटेड। तो अब आप लोगों के सामने फैसला है, अब आप लोग बताइए कि बेंजीन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सर वो दोनों बिहेवियर शो कर सकता है। वो दोनों बिहेवियर शो कर सकता है इन रिएक्शंस के मुताबिक, इन रिएक्शंस की बेसिस पर। तो मैं ये बात वाज़ह लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि बेंजीन जो है वो दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस लिख लें, क्योंकि एक बार तो पेपर में आया था गिव रिएक्शंस, एक सवाल आया था पेपर में माजी के, मुझे याद नहीं है कि गिव रिएक्शंस व्हिच इंडिकेट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के दोनों बिहेवियर को इंडिकेट करे ऐसे रिएक्शंस आप लिखिए। तो आपने वहां पर ये चार हेडिंग वेडिंग डाली और हेडिंग डालकर आपने वहां पर ये चार रिएक्शंस लिखे। चार रिएक्शंस लिखने के बाद आपने वहां पर इस तरीके से नीचे कुछ एक स्टेटमेंट दे देनी है कि द अबव मेंशन रिएक्शंस shows that benzene is neither saturated nor unsaturated but belongs to a new class of compound known as aromatic compounds. So benzene इन रिएक्शंस के मुताबिक जो हमने अभी ऊपर लिखे हैं, इन रिएक्शंस के मुताबिक बेंजीन ना ही सैचुरेटेड है, ठीक है, और ना ही अनसैचुरेटेड है, बट ये एक नई क्लास से, कंपाउंड की कोई एक नई क्लास है उससे बिलोंग करता है बेंजीन, और नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, उनका एरोमेटिक कहा जाता है, विच शोज दिस ड्यूअल बिहेवियर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ड्यूअल बिहेवियर, ये दोनों तरह का जो बिहेवियर है ना, ये बेंजीन को
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यूनिक बनाता है, एक्सट्रीमली यूनिक। और इसी वजह से बल्कि हमारे पास टाइम कम रह गया, एक काम करो रीजॉइन करो, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। जल्दी से वापस रीजॉइन करो मीटिंग। अगर मैं अल्केन्स की बात करूं बेटा, तो अल्केन्स जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अल्कीन्स या अल्काइन जो है वो आपके पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, कुछ अल्काइन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन सब नहीं, ये बात याद रखना, कुछ देते हैं सब नहीं, ठीक है ना। अब इससे एक बात आई, देखो जो किसी भी सब्सटेंस के अगर हम एडिशन प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी वो रिएक्शन, वो कंपाउंड जो एडिशन कराने से बने हों, ठीक है ना, उसमें और वो उसी सब्सटेंस के अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स की बात करें, उसमें फर्क तो होगा ना, जमीन आसमान का। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर देखो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई कंपाउंड सिर्फ एडिशन प्रोडक्ट्स दे रहा है, कोई सब्सटेंस सिर्फ एडिशन प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो हम उससे सिर्फ एक ही चीज हासिल कर सकते हैं, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट्स या एडिशन सब्सटेंसेस। अच्छा, कोई सब्सटेंस अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि हम उससे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं ओनली, नॉट एडिशन प्रोडक्ट्स। तो ये एक बड़ा मिक्सअप सा कुछ मामला हो गया, हमें दोनों चीजें हासिल नहीं होंगी। यहाँ कमाल क्या है? कमाल बेटा ये आता है यहाँ पर कि बेंजीन में कि ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो कंपाउंड्स की वर्सेटाइलिटी आती है वो बहुत ज्यादा आती है। मतलब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट कंपाउंड अगर कभी ढूंढे या कभी देखने की कोशिश करें एरोमेटिक कंपाउंड का, तो नन अदर देन बेंजीन। बेंजीन ही तमाम किस्म के ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट है, क्योंकि इसी की मदद से बाकी तमाम ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, इसी की मदद से, ठीक है। क्योंकि ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दोनों तरह के प्रोडक्ट्स शो करता है, तो ये जो दोनों तरह का प्रोडक्ट देना है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके इतने ज्यादा प्रोडक्ट देने की, जिसकी वजह से एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड का पेरेंट बन गया, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। चलो, आधी बात तो मैंने बता दी बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से। अभी जो हमारा फसाद यहां पर हो रहा है ना, ये सारा का सारा फसाद बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए है। अच्छा, मैंने ये लेक्चर में आपको रिकॉर्ड तो करके दे दिया है, मतलब लेक्चर पे समझा तो दिया है, इसको मैंने तरीके की साफ सुथरी के अल्फाजों में नहीं लिखा है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा इशू कर रहा था, वो आप लोगों ने देख लिया था। तो मैं आज रात तक इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली एक तरीके के लफ्जों में तरीके से लिखकर भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना। एक काम अभी आप लोगों की जिम्मेदारी में लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की तरफ से माशाल्लाह मुझे काम मिलता है, तो इसलिए देखो मैंने यहां पर एक बात की थी तुमसे कि ये जो कॉर्नर के कार्बन हैं, ये दोनों अनस्टेबल हैं। बीच के सारे कार्बन स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन ये कॉर्नर के दोनों कार्बन अभी भी अनस्टेबल है बेचारे गरीब, ठीक है ना। ये बात की थी आपसे, इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों आपस में जुड़े तो ये स्टेबल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको आपस में जोड़ूंगा किसी भी तरह से एक्स वाई जी, तो ये स्टेबल होंगे, ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि केमिकली C6H6 इज आइदर ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये आप लोग साबित कैसे करेंगे? एनी आइडिया, एनी गैसेस?
मैंने यहाँ साबित किया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को, ठीक है, इसी तरीके से आखिर में कुछ अल्फाज भी दिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको साबित करना है, हाउ वुड यू डू दैट? सर इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे हम लोग, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। चलो हमने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए, तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आए उनमें आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ चले गए, ठीक है ना। जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आए, एक तो ये स्ट्रक्चर अभी ऊपर बना हुआ भी नहीं है, तो बना हुआ भी है ना, इसको भी सामने रख लो। एक ये स्ट्रेट चेन आ गया, एक साइक्लिक आ गया। पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में क्या हो सकते हैं? देखो यहाँ तो मैंने सारे डबल बॉन्ड वाले किए हैं, कोई हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड वाला भी तो हो, जरूरी तो नहीं है C6H6 जो है वो सिंगल बॉन्ड ही हो या डबल बॉन्ड ही हो, क्या पता ट्रिपल बॉन्ड भी हो। एक कंडीशन लेके भी देखते हैं। ये मेरे पास कितने कार्बन है, 2, 3, 5 छह कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन देनी है। उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि बीच में अगर कहीं मैं ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे जैसे मैंने 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, अच्छा जी नहीं यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाने से इसको मुझे 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे ना, इधर लगाते हैं, सही है। और अब इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन दिया, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिए, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसको 3 दे दिया। स्ट्रक्चर तो ये भी पॉसिबल है, देखो स्टेबल स्ट्रक्चर है, यस सर, और पॉसिबल भी लग रहा है, मतलब पॉसिबल हो सकता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। C6H6 अगर फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बेंजीन का सर ये लेकिन टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा ना, ये तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि सर इट विल बिकम अ टर्मिनल एल्काइन, लेकिन बेटा टर्मिनल एल्काइन में एक इशू नहीं आएगा। जो टर्मिनल एल्काइन है इसमें बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड और भी तो आएगा, टर्मिनल एल्काइन में तुम जो टर्मिनल एल्काइन वाली बात करी मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन वो बीच में एक जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो भी तो एक इशू क्रिएट करेगा ना। टर्मिनल एल्काइन्स के लिए जरूरी ये है कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर में, एक से ज्यादा नहीं। सर एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो होता है वो पी ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप हो रहा होता है इसलिए शायद। नहीं नहीं देखो तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, मैं जो असल में तुम लोगों को कन्वे करना चाह रहा हूं वो कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, वी ऑल नो दैट कि इट इज साइक्लिक, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ वुड आई नो दैट कि यार ये साइक्लिक है। लाइक एक पॉसिबिलिटी मैंने ड्रॉ की थी जो सही नहीं थी, एक ये भी थी, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास, हो सकता है ये मैं सिर्फ ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि कोई साइक्लो अल्केन तो नहीं, लेकिन शायद कोई साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन या साइक्लो अल्काइन भी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखता हूं, हो सकता है, जिसका फॉर्मूला मैच कर रहा हूं C6H6 से, साइक्लो अल्कीन में, साइक्लो अल्काइन में, साइक्लो अल्केन में, हो सकता है कोई हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है साइक्लिक, और बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, फिलहाल उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन साइक्लिक होता है ना। तो हाउ वुड आई नो दैट कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है? सर बॉन्ड लेंथ की वजह से? चलो एक काम करते हैं, वैसे भी टाइम एंड पर है, ये बात मैं तफसीलन कर तो नहीं पाऊंगा। ये जो टास्क है ना, C6H6 इज आइदर ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ये तुम्हारे पास है, ढूंढो शायद जवाब मिल जाए, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। और जवाब क्योंकि इससे पहले तक मैंने जो काम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने मुझे करके दिया है, तो अगर कल तक किसी को जवाब मिल जाता है तो वेरी गुड, वरना कल फिर मैं इसका जवाब दूंगा, सही है, डन है? यस सर। चलो सर दोनों हो सकते हैं।
दोनों क्या मतलब? ओपन चेन भी हो साइक्लिक भी हो, कुछ भी है। आप आपके सामने मैं एक अननोन कंपाउंड मैंने डिस्कवर किया, सैयद जुल्फिकार अली आबदी ने इस वक्त C6H6 डिस्कवर कर लिया, और आप लोग मेरे पार्टनर्स हैं, आप लोग मेरे समझ ले टीचर्स हैं, आप लोग मेरे ग्रेट साइंटिस्ट हैं। मैं आप लोगों को फॉलो करता हूं, आप लोगों के फुटस्टेप पे मैं एक कंपाउंड डिस्कवर करके C6H6 आप लोगों के सामने आ गया हूं कि सर ये C6H6 मैंने डिस्कवर किया है, सर और मैडम दोनों। अब मैं चाह रहा हूं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप मुझे काइंडली बता दें कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आपके पास ओपन चेन, क्लोज चेन, जितनी आपने अपने दिमाग में मंतक लगानी है, आप फ्री हैं, आप लगा सकते हैं, आप सारी तफसीलात दर्ज कर सकते हैं अपने रजिस्टर पे और उसकी तस्वीर मुझे भेज सकते हैं। इट इज अ टास्क, ठीक है? यस सर। चलो फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। और मैं सर जी, सर मेरा एक सवाल है। पूछो। सर जो बेंजीन है वो हमें देखने में तो अनसैचुरेटेड ही लगता है क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड भी है अनसैचुरेटेड, हालांकि जब वो बेंजीन रिएक्शन कर रहा है तो उसके बनने वाले प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, ये बात मुझे समझ नहीं आ। देखो जो असल चीज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का अंदाजा प्रोडक्ट से ही तो होता है बेटा। सैचुरेटेड वो चीज जिसमें एडिशन नहीं हो, अनसैचुरेटेड वो चीज जिसमें एडिशन हो जाए, तो इधर एडिशन हुआ इन दो रिएक्शंस में तो अनसैचुरेटेड हो गया, लेकिन इधर एडिशन नहीं हुआ, जगह तो इधर भी है ना, डबल बॉन्ड तो इधर भी है, ऐसा तो नहीं कि यहां कोई हमने अलग बेंजीन इस्तेमाल किया, यहां कोई अलग बेंजीन इस्तेमाल किया, बेंजीन तो एक ही है, लेकिन यहां पर उसने रिएक्शन शो किया बजाय एडिशन शो करने के उसने सब्स्टिट्यूशन शो किया, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट की बेसिस पे यानी कि रिएक्शन टाइप की बेसिस पे बता रहे हैं कि सैचुरेटेड है सब्सटेंस या अनसैचुरेटेड है। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब वो उसको रिएक्टेंट को जाहिर करेगा कि रिएक्टेंट की नेचर कैसी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट जाहिर करेगा, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट है तो ये जाहिर कर रहा है कि भाई जो रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड है, यहाँ ये जो प्रोडक्ट है वो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है, जिसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये जुमला लिखा है वो यही तो लिखा है कि the above mentioned reaction shows that benzene is neither saturated nor unsaturated, दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, तो ना हम उसे 100% saturated कहेंगे ना हम उसे 100% unsaturated कहेंगे, but show a न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज एरोमेटिक, को एक हमने अलग ही क्लास का नाम दे दिया एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जो कि ये दोनों तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई सब्सटेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास शो हो रहा होता है जो कि दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रहा हो, लाइक सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी, तो हम समझते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड से ही ताल्लुक रखता है। सर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर कंपाउंड में स्मेल ही हो, प्लेजेंट स्मेल? ना 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 ना, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके सर, ठीक है, और कोई सवाल बेटा? क्लास ऑफ करूं?